जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। अगर बता देता तो उनके लिए चुनाव से ज्यादा धर्म संकट की स्थिति आ जाती, और सब कुछ जानते हुए भी किसी को धर्म संकट में डालना मुझे सही नहीं लगा। यही तो मुश्किल है, वो सबकी चिंता आप ही करते हैं। भीम सही कह रहा है, इसका निर्णय सही तो था ही, लेकिन साथ में इसके लिए मुसीबत बढ़ाने वाला भी है। अगर भीम के सर अंग्रेजी अधिकारी के पक्ष में खड़े हो जाएंगे तो फिर भीम की तरफ से कौन लड़ेगा? भीमराव, ये जी क्या बात है? तुम्हारे कारण अंग्रेजी हुकूमत की तरफ से महाराज के पास एक नोटिस आया है कि महाराज ने जिसे छात्रवृत्ति दी, यानी कि तुमने एक बड़े अंग्रेजी अधिकारी के खिलाफ केस लड़ने की धमकी दी है, और ये अंग्रेजी हुकूमत को अपनी बेइज्जती लग रही है, और इसीलिए मानहानि की 200 स्वर्ण मुद्राएं महाराज को दंड के रूप में अंग्रेजी हुकूमत को देनी पड़ेगी। और अगर ऐसा हुआ तो ये पैसा तुम्हारी तनख्वाह में तब काटा जाएगा जब तुम पढ़ाई खत्म करके महाराज के पास नौकरी करोगे। प्रचंड देव जी, वो भीमराव बहुत अच्छी तरह से उलझ गया है। खबर मिली है कि अंग्रेजी अधिकारी ने जो केस उस भीमराव पर किया है वो भीमराव के स्तर लड़ रहे हैं। उस अंग्रेजी अधिकारी ने भीमराव की सारी कुंडली निकाल ली, और यही नहीं, मामला यहां तक पहुंच गया है कि शाहजी महाराज को भी दंड स्वरूप 200 स्वर्ण मुद्राएं भिजवाने की मांग की गई है। वाह, दवा सही है। मतलब ये कि वह भीमराव अब अंग्रेजी सरकार और सयाजी महाराज के बीच में पिस गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वैसे तुम लोगों ने भी बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, इसलिए आज हम Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।